आपकी बात आपके साथ ITDC News। वेलकम ITDC इंडिया, आपके अपने शो वर्ड्स विद वीरेंद्रा में एक बार फिर स्वागत वंदन अभिनंदन। आज हमारे शो के मेहमान हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए पायनियर इंस्टीट्यूशन बनाने वाले प्रदेश के लीडिंग डीलरशिप सुरजीत हुंडई। हुंडई को प्रदेश में एक नाम दिया, एक पहचान दी और एक स्टैंडिंग भी दी। हम मुलाकात कर रहे हैं श्री रमेश नैनवानी जी से। नैनवानी जी, आपका बहुत स्वागत है। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को लीड कर रहे हैं। अगर हम बात करें जो हुंडई कंपनी है, जो शुरू होती कोरिया से और हमारे इंडिया में भी लगभग, मतलब उसके खुद के कार्यकाल को देखें 50-52 साल में से 25 साल से ज़्यादा हमारे देश में हो गया। इसमें से पिछले लगभग 10 साल आप भी इस इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने में दे चुके हैं। आज आप प्रदेश में हुंडई को कैसा देखते हैं? मेरी प्रदेश में हुंडई की कुछ 4 डीलरशिप हैं जी। उसमें एक इंदौर में और आपके जयपुर पे है, एक मुख्यमंत्री जी। इसके अलावा मेरे को 1100 आउटलेट हैं जो कि मास्टर में है, रायसेन में है और गैरतपुर में जी। आज की तारीख में तो हुंडई के आपको जैसे पता ही है कि लगभग सभी प्रोडक्ट वेटिंग में चले जी और मार्केट शेयर में भी कंपनी ने करीब 0.2% ग्रोथ करी है। इसमें भोपाल में कंपनी ने मार्केट शेयर में करीब करीब 6% की ग्रोथ करी और लास्ट मंथ हमने लास्ट ईयर से कंपेरिजन किया जाए तो 52% ये 52% भोपाल पर, भोपाल ओनली भोपाल जी। और इंदौर में हमने करीब 28% ग्रोथ करी है जो कि मेरे ख्याल से ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और मार्केट शेयर भी हुंडई का ऑल इंडिया करीब 17.9% चल रहा है जो कि भोपाल में करीब 26%। इसका मुझे अभी 24 तारीख को बहुत बड़ा अवार्ड दिया है कंपनी ने, हाईली मार्केट शेयर। हाँ, प्लेटिनम क्लब नहीं, वो हाईली मार्केट शेयर का एक अलग अवार्ड। अच्छा। और ये प्लेटिनम क्लब का अवार्ड रहता है, इसमें कंपनी साल भर की आपकी परफॉर्मेंस चेक करती है। इसमें आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नंबर ऑफ वॉल्यूम, आपका वेस्ट होना चाहिए स्टेट ऑफ रिजन, सर्विस वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए और आपका एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। एम्प्लॉय का रिटेंशन कंपनी चेक करती है कि आपके एम्प्लॉय कितने टाइम में टोटली चेंज होते रहते हैं जी जी। उस पर कंपनी अवार्ड सेट करती है। पूरे पैरामीटर में ऑल इंडिया का 600 डीलर है, 600 डीलर में कुल 21 डीलर बनते हैं, लेकिन इस बार 21 भी नहीं बन पाए, कभी 16 डीलर ही बन पाए। ऑल इंडिया 60 डीलर एंड यू आर वन ऑफ देम। पूरी MP, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान को नहीं, ये चारों स्टेट की जो भी प्रॉब्लम होगी मेरे थ्रू कंपनी के पास। अच्छा, यानी वो एड्रेस आपको करें। एड्रेस मुझे जाना पड़ेंगे। हर एवरी क्वार्टर में एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जो भी चारों स्टेट की प्रॉब्लम है, हर स्टेट के आप हर जगह से एक लीटर देता है, वो उसको प्रेजेंट करता है और फिर उसमें सजेशन देते हैं, फिर कंपनी इस पर काम करती है। फिर नेक्स्ट डे उस पर हमसे कंपनी डिस्कशन करती है कि ये हमने इतने सजेशन मतलब इम्प्रूवमेंट किए हैं आपके स्टेट में, आप उसको सेटिस्फाई हैं नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से उनकी काउंसलिंग बैठती है और वो हमारे ठप्पा लगने के बाद उसको। अच्छा, यानी जब आप कहते हैं ये इसका सोल्यूशन है तभी वो चीज़ आएगी। जब जब अच्छा, जब तक ये 21 डीलर पूरे सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक कंपनी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। अच्छा। और बड़ी चीज़, कंपनी में कुछ भी मॉडिफिकेशन प्रोडक्ट में करते हैं, तो मेजर प्राइस चेंज करते हैं, तो उसमें भी कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें हम लोगों को बुलाया जाता है और हमारी उसको उनकी बात। अच्छा, यानी हम ये समझें कि जो 4 पॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं जिन पर ये अवार्ड बेस्ड था, उनमें आप लीड कर रहे थे पूरे देश में 60 डीलर्स में, या एक पर्टिकुलर 4 राज्यों को लीड कर रहे हैं? नहीं, 4 को वेस्ट बोलते हैं। अच्छा, वेस्ट रीजन को पूरा। अच्छा, ये जोन बनाया होगा। जोन। अच्छा, उस जोन में आप आ रहे हैं। उन चारों जोन में करीब 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 130 डीलर हैं। 130 डीलर में हमारी कंपनी ने उस पैरामीटर का हमें सिलेक्ट किया जो कि लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूएशन में मौजूद है। बताया जाता है कि ये ऐसा सेक्टर है इसमें आप लाख अच्छा करते हो पर एक छोटी सी चूक भी आपको रिव्यूज में हिला के रख देती है, बहुत बड़ा कड़वा। परंतु आपके बारे में मामला ये है कि हमने बहुत गो थ्रू किया, हमने पाया जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वर्ड है वो आपके लिए एट पार, आपने बहुत दिल से जिया, ये कैसे संभव हो पाया? ये हमने हमारा सोचना ये रहता है कि पैसे को हमेशा सेकेंडरी रखा जाए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर गाड़ी लेके उसका नेक्स्ट डे गाड़ी का बल्ब फ्यूज हो गया जी। हाँ, बल्ब की कॉस्ट होती है 150 रुपये, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन उससे सेकेंड डे जब अपन 150 रुपये मांगते हैं तो जो गाड़ी 10 लाख की खरीदता उसके लिए भी 150 कोई अहमियत नहीं रहती।
लेकिन उसको कहीं ना कहीं फील होता है कि आज 24 घंटे में मेरी गाड़ी में बदलना चाहिए। वो गाड़ी जब वर्कशॉप में आती है उसको 150 रुपये का बल्ब फ्री ऑफ कॉस्ट लगा दिया जाए, क्योंकि वो बल्ब वारंटी में नहीं आता, वो डेफिनेटली हमारी पॉकेट से जाता है, लेकिन वो कस्टमर को इतना सेटिस्फेक्शन देता है कि बता नहीं। वही किसी उसके मित्र ने या किसी ने और दूसरी डीलरशिप से कभी गाड़ी खरीदी होती है और कभी उसके साथ ऐसा हो जाता है तो फिर वो एक्सपीरियंस याद आता है उसको कि यार मैंने सुजीत में कराया था ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ ऐसा। तो वर्ड ऑफ द माउथ जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। अगर आप एक कस्टमर को आप सेटिस्फाई रखते हैं जी, वो आपके लिए 10 कस्टमर लेते हैं, और एक कस्टमर अनसेटिस्फाई है तो 100 लोगों को जाकर बोलता है कि यार उसके मन जाना उसका बहुत बेकार है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ सर्विस सेक्टर इन्वॉल्व है, अगर सर्विस में आपकी 10% भी कमी रहेगी तो आपका पूरा क्लियर कराया पा सकता। आप बहुत लंबे समय तक टू व्हीलर सेगमेंट को भी आपने संभाला है और उसके बाद आपने फिर इसमें स्विच किया कि हम फोर व्हील को भी देखेंगे, तो आपने टू व्हील भी चलाया और साथ में फोर व्हील में भी अपनी एक पहचान दी। ये बहुत आसान था कि आपके लिए? एक्चुअली मैं 1983 से टू व्हील कर रहा हूँ जी, 1983 से 2010 तक मैंने टू व्हील जी। उसके बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई हुंडई की, जब ये अपॉर्चुनिटी आई तब हमने सोचा नहीं कि हम फोर व्हीलर में कभी जाएंगे, लेकिन जब उनके खुद मेल आया मेरे पास तो मैंने चेक किया, फिर दो चार फ्रेंड्स से बात करी तो सबने कहा नहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ, क्योंकि उस टाइम टू व्हीलर में हम ऑल इंडिया लीड कर रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा आदमी बिजी हो जाता है क्योंकि हमें तो काफ़ी चीज़ों के लिए सोचने का टाइम चाहिए, लेकिन उनका खुद मेल आया तो पाँच भाई अपने भाइयों ने बैठ के डिस्कस किया कि भाई बहुत बड़ा है कोई थिंकिंग करना चाहिए, तब हमने अपॉर्चुनिटी बिजली हो रहा है फोर व्हीलर में उससे आराम। जैसा मार्केट शेयर को देखा जाए तो दिल्ली में भी डीलर्स हैं जो राजधानी है देश की, और हम एक छोटी राजधानी जो कि प्रदेश के लिए रिप्रेजेंट करती है, पर फिर भी जो चार पॉइंट्स की बात हो रही है, सर्विस की, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की, एम्प्लॉइज की जो एक ग्रीवांसेस सेल होता है उसको संतुष्ट रखने की, उन सब में आप बहुत बहुत ऊपर निकल गए। ये कैसे संभव हुआ कि आपकी तुलना दिल्ली राज्य के डीलर से भी की जाती है? उसमें मैं ये मानता हूँ कि उसमें हमारा काफ़ी योगदान हमारे ग्राहकों का है। मैम मेरे अपने ग्रुप पर बहुत विश्वास रखता हूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि मेरी एक पर्सनल सोच है, मेरे डैड ने मुझे सिखाया था कि कभी भी किसी से चीटिंग मत, अगर किसी के गलती से 10 रुपये ज़्यादा आ गया तो उसको हाथ जोड़ के वापस दे, गलती से भी आ गया एक्चुअली तो लेना नहीं है, टेंशन नहीं ले लिया आपके शटर गिरने में देर नहीं है, लेकिन गलती से भी आ गया तो हाथ जोड़ के, अगर कहीं से उसका एड्रेस नहीं मिल पा रहा, कस्टमर नहीं मिल रहा तो उसके अकाउंट्स में क्रेडिट रखो, जब भी आपके यहाँ सर्विस में आएगा उसको बता के कि आपके 10 रुपये की गलती से ज़्यादा आ गए तो उसको वापस देंगे, तो 10 रुपये की ना आपके लिए वैल्यू है ना उस कस्टमर के लिए, लेकिन वो 10 रुपये जब उसको मिलते हैं तो उसके अंदर की सोच आपके बिल्कुल बहुत चेंज हो जाती है, फीलिंग अच्छी आती है। ये सोच को मुझे याद आया आपके चीटिंग शब्द पे, अभी जैसा कि आप डीलरशिप को बिलोंग करते हैं, ये हुंडई है, ये हुंडई का जो है आज ओवरऑल सारे व्हीकल्स वेटिंग लिस्ट पर हो गए, ऐसे में लगातार कई जगह पर पाया जाता है कि डीलर्स पे कई घटनाएं होती हैं जहाँ पर कहा जाता है कि साहब कुछ पैसा ले लो लेकिन हमें गाड़ी दे दो, तो ऐसे में ऐसी समस्याएं आपके सामने फेस होती होंगी, तो उनको कैसे संभालते हैं? उनको हाथ जोड़ के मना कर देते हैं, फिर उसके बाद लगता है कि नहीं कोई बीबी है, जैसे किसी की बच्ची की शादी है उसको गाड़ी देना है, लड़के वालों ने जिस तरीके से गाड़ी स्टाइल की थी उस केस में बनी थी गाड़ी एक एक्स्ट्रा अलॉटमेंट करके, लेकिन उस केस में भी हम कभी ऐसा नहीं करते कि आपकी गाड़ी उठा के उसको दे, मतलब आपके साथ चीट फिर जैसे मेरे स्टाफ में किसी को कोई उसके परिवार में किसी को सीरियस बीमारी हो गई है उसको 1 रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक की ज़रूरत है, मैं इमीडिएट विद इन 24 आवर सेंचुरी करता हूँ, इससे ज़्यादा टाइम कभी नहीं लगता, अगर मैं इंडिया में नहीं भी हूँ तो मेरे को व्हाट्सएप पर कॉल करके उसका इमीडिएट सेंचुरी ले जाता हूँ। मेरे स्पेशल HR कंसेप्शन है कि 2 लाख से नीचे तो आप खुद ही दे दिया प्रोडक्ट, लेकिन 2 लाख से वो भी 2 लाख से ऊपर मैंने अपने पावर इसलिए रखी उसका मिस यूज, किसी के बच्ची की शादी है, जैसे हमारे एक स्टाफ थे उनको फादर को कैंसर हो गया था जी, मतलब अमाउंट बोलना नहीं चाहता लेकिन एक मेजर अमाउंट से मैंने उनकी हेल्प मैंने नहीं करी, मेरे गुरु ने करी, लेकिन जरिया क्या बात, यही वो बात है जो आपके एम्प्लॉइज को एक बॉन्डिंग देती है, एक फैमिली बनाती है, जो रिलेशन आज लॉन्ग लास्टिंग है आपके एम्प्लॉइज के साथ। मैं खुद देखता हूँ आपके यहाँ पे 10-10 साल से लगातार कई वर्कर्स आज भी खड़े हैं, मेरे पास कुछ वर्कर आज भी ऐसे हैं जो मेरे साथ 30 साल से ओ, और कम से कम 25-30 वर्कर ऐसे हैं जिनके फादर रिटायर्ड हो गए हैं, उनके बच्चे अच्छा उनकी अगली पीढ़ी भी हमारे साथ जुड़ी। नाइस। एक कहा जाता है कि जो हुंडई है ये हुंडई में
उसका एक खुद का एक फिलॉसफी है, वो कहती है कि मोबिलिटी शुड बी ओके, बट उसमें जो टाइम कंज्यूमिंग है, जो टाइम लग रहा है, वो टाइम सिर्फ जस्ट स्पेंड ना हो जाए, वो आपके लिए मेमोरेबल बने, तो वो उस पर काम करती है और उस पर देखती है। ये जो शब्द है, इसको बाजार करने के लिए आप लोग बीच में आए, बट हम देखते हैं कि इसके बाद भी सेम पैकेजिंग, सेम मटेरियल, सेम टेक्स्ट, लेकिन आप सक्सेस करते हैं, आप उसको प्रोडक्ट को जब तक वैसा बताने में सफल हो जाते हैं जो हुंडई कहता है, जो हुंडई खुद की फिलॉसफी है। कैसे संभव हुआ? हुंडई एक तो अपने आप में क्वालिटी बहुत अच्छी देती है, अभी जैसे क्रेटा है उसमें बॉस केमिकल सिस्टम दे रहे हैं, आप यहाँ से इंदौर जाएंगे तो जो साउंड का क्वालिटी है वो आपको कहीं बोर ही नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे। अब ये है कि कस्टमर को आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन करके बता पाते हो, क्योंकि फीचर तो बहुत सारे हैं और आज भी कस्टमर जो गाड़ी लेता है 50% फीचर उसको पता ही नहीं, जनरली गियर चेंज करना और एसी चलाना ये करना, लेकिन उसको जब पूरे फीचर बताते हैं कस्टमर को सरप्राइज हो जाता है कि इतने फीचर, और मैक्सिमम वो यूटिलाइज नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी बताना वही जरूरी। हम लोग जब डिलीवरी करते हैं हमारे एक वरिष्ठ आदमी टेक्नीशियन उसको करा देता है, अगर कस्टमर को टाइम है तो करीब 45 से 50 मिनट प्रोसेस को बताने लगते हैं, आगे से लेके पीछे तक पूरे फीचर बताए जाते हैं, इवन ये तक बताया जाता है कि इमरजेंसी में ब्रेक डाउन हो जाए तो आपको कैसे हो सकता है। और हुंडई में सर्विस और एक साल से जो कंपनी फ्री देती है कि आपकी गाड़ी ऑल इंडिया कहीं भी ब्रेक डाउन हो आप उस नंबर पर कॉल करेंगे, आपको विद इन 2 आवर्स आपके नियर बाई जो भी फैसिलिटी होगी वो आपको आके ब्रेक डाउन तो भी कर सकते हैं उसी करेंगे। और अगर कहीं ऐसी नौबत आ जाती है कि गाड़ी टो करना पड़ती है तो आपको वहाँ का स्टे भी फ्री है, नियर बाई जो होटल है वहाँ पे स्टे फ्री एक नाइट कर देते हैं, अगर कहीं नाइट होती तो आप बात करते हैं नियर बाई होटल है बेस्ट होटल है उसमें स्टे ये क्वालिटीज वो मेंटेन करता है। हाँ, वो खाली ओनली हुंडई में है और किसी ऐसा कैसे हुआ कि हम जब देखते हैं रिकॉर्ड्स अभी आया बाजार में कि जब दिसंबर में 14% शेयर मारुति सुजुकी था और आज 24.9 समथिंग अप्रॉक्स 25% शेयर ग्रोथ था दिसंबर का, क्या हुआ जबकि वो इकोनॉमी रेंज रखती है मारुति सुजुकी? हुंडई मारुति ने हमेशा सिर्फ प्राइस पे ध्यान दिया है, क्वालिटी पे नहीं ध्यान दिया। मैं आपको कहूँगा आप सामने देखने वाली चीज है मारुति की जो बॉडी की शीट होती है ना उस पर टिक के खड़े रहिए तो गाड़ी की शीट ऐसे होती है, और हमारे हुंडई में आपकी मार्केट कोई बात नहीं, तो हुंडई क्वालिटी देने में शौक रखती है, तो इसीलिए हुंडई को थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगा। 98 में उन्होंने पहला प्रोडक्ट दिया, लेकिन आज भी वो सेंट्रो जो कंपनी ला रही है आज भी कस्टमर सेंट्रो मानते आते हैं, वो सेंट्रो की है जिंग नाम से उसका, तो उन्होंने कंपनी की क्वालिटी में आज तक कॉम्प्रोमाइज किया। आज भी हमारी सेंट्रो जो आती है 5 लाख से स्टार्ट है, अगर हमारे पास जो मारुति गाड़ी देती है 3 लाख रुपये से उनकी रेंज स्टार्ट है, अगर हमारे पास 3 लाख की रेंज होती है शायद हम मारुति से 4 गुना ज़्यादा गाड़ी बेच रहे, फोर टाइम ज़्यादा होती है, आपने कैप्चर ही कर लिया होता है। फिर भी हुंडई कहती है कि नहीं हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और इकोनॉमी देंगे तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं। यानी हम ये माने कि जो भी कंपनी कहना चाहती है वो आवाज़ को आप लोग अपना एस्टेब्लिशमेंट से एक इमेज देते हैं और वो इमेज जनता तक जाती है, और वो आपकी लोकल इमेज होती है तो पब्लिक ज़्यादा पसंद करती है, और उसका ट्रस्टवर्थीनेस आपके साथ जुड़ा रहता है तो आपकी बात को वो एक्सेप्ट करती है, उसमें आप लोग सफल हो पाए हैं। आज बाजार में कॉम्पिटिशन है, डीलर्स टू डीलर है, तो अगर हम ये बात करें हुंडई के खुद के डीलर्स भी हैं भोपाल में, ऐसे में आप कैसे रीड कर पा रहे हैं, क्या बेहतर दिया आपने? उसके लिए वही मैंने बताया ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेरी रीड के लिए मैं सर्विस में बहुत ज़्यादा फोकस देता हूँ, और कहीं भी सोचता हूँ कि कस्टमर हर जगह कस्टमर सही नहीं होता है, लेकिन उसके बाद ही लगता है छोटी मोटी चीज़ें स्टाफ को एक चीज़ बताइए कि कस्टमर जब आता है अगर उसकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती तो नेचुरली गुस्से में आता है, पहले तो उससे ठंडे से बात करो, भले कस्टमर गलत हो फिर भी उसको बिठाओ पानी पिलाओ, उसको ठंडे से बात करो, उसकी प्रॉब्लम सुनो, पहले ही मत बोल दो कि तुम गलत हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी पंचर होती है, रोड पे चलेगी तो पंचर तो हो सकती है, उसमें आज या कल से कोई मतलब नहीं होता कि मैंने 1 साल बाद पंचर हुई या 4 दिन बाद हुई, उसकी प्रॉब्लम समझो, उसको पानी पिलाओ, फिर रोड में ठीक करता हूँ, ले जाओ वर्कशॉप उसको ठीक करके उसको सेटिस्फेक्शन दो कि यार रोड पर चलेगी तो पंचर होगी, तो फिर कस्टमर, लेकिन आप उसी टाइम इमीडिएट रिएक्शन दो तो कस्टमर को ईगो हर्ट होता है, उसमें कस्टमर इस पर आपने बहुत बेहतर बहुत अच्छा किया, और मैं कोशिश करता हूँ वर्कशॉप में डेली 1-2 घंटे बिताऊँ, उसके बाद मैं हर महीने में 2 बार कस्टमर वर्कशॉप में कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेकर पर्सनली मिलता हूँ। अच्छा,
अगर किसी कस्टमर की कंप्लेन आई तो उस एग्जीक्यूटिव साहब ने खुद बात। आपने दूर दूर तक बहुत सारे डीलरशिप बनाई है, लाइक हरदा भी है, सीहोर भी बनाया है आपने, इंदौर तो खैर आप कर ही चुके थे, ये कैसे आप संभाल पा रहे हैं? इसमें जैसे भोपाल में जो मेरी दूसरी डीलरशिप है, मेरे दो भतीजे संभालते हैं, एक बड़े बड़े बदल संभालते हैं, बाकी मेरे सब जगह जी एम संभालते हैं। और जी एम को हम कोशिश करते हैं कि सैलरी पैकेज अच्छा दिया जाए जिससे वो चोरी चकारी ज़्यादा क्या आता आदमी चोरी तभी करता है जो उसको भरपेट खाना है, उसको भरपेट खाना तो मोटिवेशन दो अच्छा करा तो मोटिवेशन आपकी जो लेसन है ऑनेस्टी सीखा ऑनेस्टी और उनको समझाते हैं कि देखो हम ऑनेस्ट हैं, हमने कहाँ से शुरू किया था, एक विजय सुपर की डीलरशिप से काम किया था, 11 डीलरशिप चला है। आप भी अगर मेरे ऑनेस्टी से काम करो तो आज एक आउटलेट के जीएम हो सकता है, ग्रुप जीएम बन जाओ, फिर सीईओ बन जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ और बड़े भी हैं। अच्छा, मेरे कुछ ऐसे एम्प्लॉई भी हैं जो 7000 से उन्होंने चालू करा था, जो 85,000 लीटर का था, वो क्या 5 ईयर 5 साल के अंदर 7 से 85 जा रहा है, तो वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल से ऑनेस्टी का ही है। उस पर उनको फैसिलिटी भी दी है, मकान भी दिया हुआ है, कार भी दी हुई है, कार का पेट्रोल भी दिया, मतलब उनको जो पैकेज पड़ता है करीब करीब 1,25,000 का, यानी वेट पर साफ रखते हैं उन्होंने, और दूसरों के लिए वो एग्जाम्पल हो जाता है। इसी ऑर्गेनाइजेशन में 7,000 वाला आदमी आज करीब 1,25,000 रुपये उठा करा दी है, तो कहीं ना कहीं ऑनेस्टी का इस ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशन मिलता है। कहते हैं सभी को सीधा रोड कभी नहीं मिलता, तो ये तो लाइफ है, तो आपके ज़िंदगी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव मोड़ आए होंगे और स्ट्रगल्स बनी होंगी, उसके बावजूद आप यहाँ स्टैंड करते हैं, तो कैसे आपने ओवरकम किया और देखा कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? कुछ घटनाएं मेरे साथ हुई है। 1983 में मैंने डीलरशिप खोली थी विजय सुपर की, 82 में मैंने बुलेट की डीलरशिप ली थी, तब वो मुस्लिम बहुल इलाका था जिनसी चौराहा जी, 7 दिसंबर को भोपाल में दंगे जी जी, भोपाल में दंगे से पहले सबसे पहले मेरा जिनसी चौराहे पे विजय सुपर और अंकुल का जी, उसको पूरी तरह मतलब हम लोग सो के उठे थे, उससे पहले आग लगा दी, सुबह 6 बजे करीब वहाँ पर आग लगा दी थी, और जब 7 बजे वहाँ पहुँचे तो लगभग सभी को तो पेट्रोल का काम रहा, पता मेरा देर नहीं लगती, एक घंटे में सब कुछ खत्म, वो मेरे लाइफ का एक सबसे बुरा दिन था, बुराई की सबसे बुरा स्टोरी है। उसके बाद मैंने करीब 2 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। मार्च 1994 में मैंने एक छोटा सा सब डीलर आउटलेट खोला जिसमें 4 या 5 गाड़ी मैंने किसी से लोन पे लेके खरीदे थे, अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो सब पेमेंट करता था, इस तरह से मैं 2002 तक बहुत स्ट्रगल किया। 2002 के बाद मेरे पास MML कंपनी ने ऑफर दे के मेरे को मना मुझे, जब मैंने LML डीलरशिप दी थी तो मैंने करीब करीब 17 से 20 गाड़ी महीने के अवधि की, तब सुप्रीम ऑटो हुआ करता था उसको मैंने रिपोर्ट किया जी। उसके बाद जब मैंने वो डीलरशिप दी तो पहले मैंने मैंने 179 निकाली थी जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भोपाल में 17 गाड़ी कमाते होने के बाद 179 गाड़ी पहले एक महीने में जिस मार्केट में 17 गाड़ी से 20 गाड़ी अभी बिकी, उसके बाद भोपाल में मार्केट शेयर दिया LML का 1% भी नहीं था, मैं उसको 44% मार्केट शेयर दिया, कंपनी ने मुझे अच्छा फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मोरली सपोर्ट किया, कर चुका फिर LML बंद होने की कगार पर आ गई थी कंपनी, भोपाल में फिर भी बिक रही थी लेकिन मोरल इंडिया नहीं बिक रही थी क्योंकि गाड़ी बहुत महंगी थी और हर आदमी इस गाड़ी के हो गया था। फिर हमने बजाज की डीलरशिप बजाज की पहले एक डीलरशिप की, फिर सेकेंडली फिर 34 डीलरशिप की, उसके बाद 2011 में 2010 में मुझे इसकी ब्रेकिंग मिली थी, इसको 2011 में चालू किया था। सर उसके जब शुरू कर रहे थे तभी कुछ घटना हुई? हाँ वही बता रहा हूँ, 2011 में लगभग 10 मार्च को वो थी शिवरात्रि, उस दिन मैंने ओपनिंग की डेट डिसाइड करी, मेरे पास शोरूम 98% कम्प्लीट हो गया था, थोड़ा बहुत फाइनल टच वाला काम चल रहा था। एग्जैक्ट 1 महीना पहले 10 फरवरी को यहाँ खतरनाक आ गई, जिसका आप सीन देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा, वो पूरा सब कुछ राज। तब मैंने अपने गुरु जी को फोन लगाया, उन्होंने कहा सबसे पहले गुरुद्वारे जाओ, 1 किलोमीटर लेके जाओ, उसको शुक्राना बोल, मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप नींद में हैं शायद, मेरे शुरू में आपके शुरू में आप चलो मिठाई बांट के गुरुद्वारे में आके धन्यवाद बोल के आए, बोले नहीं मैं जग रहा हूँ, मैं 4 बजे उठता हूँ, उस टाइम में 5:30 बजे पहुँचते रहे क्योंकि रात को 3 बजे। फिर भी उन्होंने मुझे प्रेशर दे कर कहा नहीं तुम गुरुद्वारे जाओ, गुरुद्वारे जाके उनको धन्यवाद दो और 1 किलो मिठाई भी लेके आना सबको बांट, और अभी आर्गूमेंट मत करना, वहाँ से होके आओ फिर तुम चला। अच्छा, मैं गया वहाँ से लौटा, मैं तेरे आ गए थे, फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया, बोले अब तुम एक चीज़ बताओ कितना नुकसान हुआ तुम्हारा, मैंने कहा करीब 1.5 करोड़, बोले अगर उस टाइम आप बैठे होते ये आग 1 महीने बाद लग 10 मार्च को की होगी
एक आग लगती तो मैं भी उस दिन भोपाल में आता आपकी ओपनिंग थी, मैं भी बैठा होता आपके ऑर्गेनाइजेशन के 100 वर्कर बैठे होते, अब कम से कम 60-70 करोड़ का माल खराब होता आराम से, जो भी 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ, क्या वो नुकसान बेहतर है या बेहतर? तो ऊपर वाले ने आपने जो अच्छे कर्म किए उसको बड़ी घटना को छोटी घटना में करके, छोटी मीटिंग बहुत छोटी करके टाल दिया और ये लॉस आप अफोर्डेबल आते हैं, तो आपको दिखता है थोड़ी दूर का, ऊपर वाले को आपका बहुत दूर का दिखता है, और आपने आज तक कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, आप एक विश्वास हमेशा रखा करो कि ऊपर वाला जो करा आपके साथ अच्छा था, इस विश्वास पे जियोगे तो आप ग्रोथ करोगे, ताकि आप जिस दिन बुरा किया तो ऊपर वाले ने किया, अच्छा किया तो मैंने किया, इस पॉजिटिव करोगे तो पा जाएंगे, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ऊपर जाकर धन्यवाद देगा गुरुद्वारे का, जो मैं टिकट था गुरुद्वारे का, जब उनके समझाने के बाद शाम को फिर मैं गया जी, और फिर बहुत अच्छे दिल थे उस टाइम, तो जब बोला था तो गुस्से में गया था, चलो बाद में जब दिमाग में बात बैठी, सही बात है, कनेक्शन चालू होती है, मेरे बच्चे बैठे होते हैं, 4 कस्टमर बैठे होते हैं, ओपनिंग थी तो 100 कस्टमर भी हो सकते हैं, उस टाइम केस होता तो कितना नुकसान होता है, कुछ कितना रहता पर कितनी देर कर पाएंगे, इसलिए बन गई कि आपने उसको बहुत पॉजिटिव अप्रोच से लिया और उसको यहाँ इस हालत पर लेके आए कि आप लीड करते हैं आप भोपाल को, ये कहीं ना कहीं मेरे ऊपर वाले बने, मैं इसमें अपने पूजा पाठ में कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा, मेरा सुबह का जो सिस्टमेटिक लाइफ है बिल्कुल पाठ करना है, अपना पाठ करना है, का पाठ करना है, पाठ करना है, डेली गुरुद्वारे जाना है, मंदिर जाना है, सबसे बड़ी बात मेरे डैडी ने एक ही चीज़ सिखाई थी, किसी गरीब का दुख मत दिखाओ, किसी का हक मत, उन पे आप कायम रहे। ये आज कस्टमर के बारे में जैसा मैंने मेरे गुरु सीखा है, वो कहते हैं बेस्ट सेल्समैनशिप से वही है कि आप उसे अपना प्रोडक्ट मत सेल करो, उसे बेस्ट प्रोडक्ट खरीदने में मदद करो। तो इस पे आप हमारे जो दर्शक हैं आईटीडीसी इंडिया के, उनसे जब आप रूबरू हो रहे हैं तो आप कुछ टिप्स दीजिए कि वो कैसे सही व्हीकल खरीद पाए, वो क्या देखें गाड़ियों में जो उनके ज़रूरतों के हिसाब से उनके हाथ में गाड़ी है। नहीं, उसके लिए भी हमारे एक डिपार्टमेंट है जो कस्टमर की नीड एनालाइज करता है जी, जैसे आप गाड़ी लेने मेरे आएंगे तो पहले कस्टमर हमारा एक आदमी बैठेगा आपके साथ, आपकी नीड समझेगा, आपका बजट समझेगा, आपकी बजट भी होना चाहिए, मैं सभी को प्रीमियम व्हीकल नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी पॉकेट भी अलग होना चाहिए, फिर डीजल लेना है, पेट्रोल वेरियंट लेना है, वो भी आपकी कितनी रनिंग है, क्या नीड्स है, वो समझने के बाद उसको उस टाइप का सोल्यूशन दिया जाएगा। और अगर कोई प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है तो मैं कस्टमर को बोलता हूँ अभी नहीं आया, अगर वेट कर सकते हो वेट कर लो, और नहीं वेट कर सकते तो फिर अदर देन कंडीशन का प्रोडक्ट भी सजेस्ट कर देते क्या दीजिए, ओ भाई कस्टमर लूज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसको गलत सलाह देके कभी उसको नीड है हमारी गाड़ी को मान के रखते हैं अपन वैल्यू की, हम उसको कभी भी कोई दूसरी गाड़ी टिपाने की कोशिश नहीं करेंगे, हमारे पास ये खड़ी आप वो बोलेगा भी ये ले लो, मैं कहूँगी आपकी नीड के हिसाब से नहीं है, उसके बाद आपको लेना हो हमारे हिसाब से उस नीड के लिए, हमारे बाद उसका नंबर कस्टमर का एक ट्रस्ट लगता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने ब्रह्मा कुमारी में जाना उनका शिवानी, उनसे ज्ञान दिया था, जैसे आप किसी फ्रूट की दुकान पर फ्रूट खरीद के आते हैं और वो फ्रूट वाला कभी कहता नहीं यार आज मेरे पास ये फ्रूट ठीक नहीं है, तो आपके अंदर क्या फीलिंग आती है, उसी में अगर गलती से एक एप्पल भी खराब निकल जाता है तो आप उसके लिए क्या सोच लाते हैं आपके अंदर, वो सच्ची हकीकत अपने को ऐसा फीलिंग आती है, हम कैपेबल हैं, एक एप्पल निकल खराब ही निकल जा रहे हैं, लेकिन वो गलती से जानबूझ के एक एप्पल खराब आपको दे देता है, तो घर जाके आप क्या वाइब्रेशन उसके लिए निकालते हैं, क्या वर्ड्स डिस्कस करते हैं, वो चीज़ सीखने वाली है, उससे हमने बहुत कुछ सीखा, यानी कि हम समझें कि आप कस्टमर की साइड जाकर खड़े हो जाते हैं, होना भी उसी की तरफ से बात करें, उसी की तरफ से बात करोगे जब भी आप बिजनेस में सक्सेस, क्योंकि आप उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन दे पा रहे हैं और उसको कोई भी गलत चीज टिपाने की कोशिश नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको कैपेबल किया है आज इसी बात के लिए, उस नीड के लिए वो कस्टमर भी आएगा, जो आपने प्रीमियम सस्ती वाली गाड़ी उसका भी कस्टमर आएगा तो कल आएगा ना, ऐसा नहीं किसी को जरूरत करेगा, उसकी जरूरत की चीज को मिल जाएगी और इसको आप सजेस्ट करोगे कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है उसको अच्छा लगता है। ये अभी बीच में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना काल जो निकला है और जिसको अभी भी स्टिल प्रोसेस कर रहा है, ऐसे में ऑटोमोबाइल व्हीकल ने लास्ट ईयर बहुत बहुत ड्रॉबैक देखा और बहुत डाउनफॉल आया और अब मुश्किल से 5% की ग्रोथ इस साल आई है, तो आपको क्या लगता है 2021 कैसे आगे बढ़ेगा,
इस दौर के बीच में? लेकिन मेरा इस मामले में सोचना उल्टा है कि ऑटोमोबाइल ने लॉकडाउन में जरूर बुरा टाइम देखा, लॉकडाउन खुलने के बाद जून भी थोड़ा टफ टाइम होता है, लेकिन जून के बाद हम लोगों का लाइन अप जो 3 महीने का लॉस था वो भी मेरे को लगता है 2021 में थोड़ा कम है। 2020 हमारा 3 महीने लॉस हुआ क्योंकि प्रॉपर्टी लॉकडाउन रहा, हमारे पास इंटरेस्ट की भी खर्चे चालू थे, सैलरी भी हमको देना थी, जो स्टॉक पड़ा था उसका भी जाए कर रहे थे, जो रेंटल प्रॉपर्टी है वहाँ रेंट भी देना था, तो ये सब खर्चे चालू थे। वो 3 महीने का लॉस जरूर हुआ है, लेकिन उसके बाद जो गाड़ी की डिमांड था, सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में हर आदमी अपनी गाड़ी में मिलेगा, फिर एक आदमी का सोच भी बन गई थी कि यार कब चले जाएँ, कोई भरोसा नहीं है, तो वो जो एक्स्ट्रा सेविंग करता था वो बंद करके हर आदमी सोचता जितनी जिंदगी उसको इंजॉय कर दिया जाए, तो इससे करना गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लगभग सभी गाड़ियाँ वेटिंग में चल रही। ऐसे में अभी कहते हैं जैसे बीच में जो समय आया कोरोना ने, उसने लोगों की सोच को भी प्रभावित किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब जो बीच में दौर गुजरा जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स बंद हुए और उनके पास कोई रास्ता नहीं था पहुंचने का अपने गंतव्य के लिए या जहां वो जाना चाहते थे, तो ऐसे में ये फील बढ़ी कि अगर पब्लिक के बीच में हमें जाना है और हमें हमारे फैमिली के साथ जाना है तो हमें 4 व्हीलर्स की तरफ बढ़ना चाहिए, तो उसका फ़ायदा क्या हम 2021 देख लें? हाँ ले रहा है, बीच में भी ये हमने उसकी क्यों ली है। अच्छा, पहले क्या होता कि एक मध्यम वर्ग परिवार में सिर्फ 2 व्हीलर रहता था, 2 व्हीलर में थोड़ा वायरस के चक्कर में आदमी निकलना सेफ नहीं लगता है, और कुछ 4 व्हीलर में पूरा आपका परिवार आ जाता है, चारों कांच बंद हो जाते हैं, तो आप कहीं से भी सेफ होकर निकल जाते हैं, और कस्टमर को खुद थोड़ा सा लॉयल्टी फील होता है कि यार नहीं मैं परिवार के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो पहले क्या सोचती थी मुझे 4 व्हीलर की जरूरत ही नहीं है, वो 5 लाख की FD कर दी वो ज़्यादा मेरे लिए, लेकिन अभी कस्टमर लोन लेके भी 4 व्हीलर प्रेफर कर रहा है, यही वजह है कि प्रोडक्ट होते हैं। और हम अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो क्या कहना चाहेंगे, आप कैसा पाते हैं ये Hyundai की बात कर रहे हैं? Hyundai बहुत क्वालिटी वाइज तो मेरे ख्याल से लीडर है, हर चीज नंबर में सेकंड नंबर है, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी इनकी लिमिटेड है, 52,000 करीब महीने की, 62 बनाते हैं, 10,000 एक्सपोर्ट करते हैं, 52 इंडिया में देते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में इंडिया में नंबर 1 कंपनी है। ये टोयोटा के कंपैरिजन में भी देखा जाता है तो कहते हैं हमारे पास फीचर्स द बेस्ट हैं? नहीं, टोयोटा से हमारा कंपैरिजन नहीं, तो टोयोटा महीने की बनाती है 60,000 गाड़ी है, हम 60,000 गाड़ी बनाते हैं, तो क्लियर बराबर का हमारा सिर्फ मारुति है, वो भी सिर्फ कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट मैटर करता है, बहुत बड़ा कॉस्ट मैटर करता है, और मारुति की जो गाड़ी बिकती है वो 5 लाख से नीचे वाली गाड़ी बिकती है, और हमारी जो गाड़ी बिकती है 8 लाख से ऊपर वाली, और उनके 8 लाख से ऊपर वाली अगर उसमें हमारा मार्केट शेयर निकालेंगे तो 90%। अच्छा, यानी कि हमारी सेडान की बात करें, वो सेडान या मारुति देख लीजिए, i20 देख लीजिए, वरना देख लें, आज हमारी वरना भी वेटिंग है, i20 वेटिंग में, वेनो भी वेटिंग में, क्रेटा भी वेटिंग है, इवन पहले हमारा टुसॉन 34-35 का प्रोडक्ट है, तब बिकता था, आज वो भी वेटिंग है। यानी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि मिडिल साइज और स्मॉल कार से लेके बड़ी कार सभी में आप? सभी में वेटिंग है, और उनकी जो है वो सिर्फ इकोनॉमी गाड़ी बिकती है, 3 लाख 4 लाख गाड़ी, मतलब कहते हैं मारुति गाड़ी अगर 5 लाख से कम बजट हो तो मारुति की गाड़ी लेना चाहिए, अगर 5 लाख से ऊपर बजट तो मारुति के शोरूम में भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा कस्टमर की। यस यस, कई बार होता है, यानी वैल्यू एडेड सर्विसेज पर हम लोगों ने बहुत काम किया है, और उसमें आपके जो सर्विसेज हैं आप सर्विसेज में कैसा पाते हैं अपने यहाँ पे, क्योंकि एक डीलर के पास में जो पहला इंट्रैक्शन होता है वो जो परचेज पसंद होता है और उसके बाद फिर उसका वास्ता पड़ता है सर्विसेज में, तो कहते हैं सर्विसेज मतलब आप तो गाड़ी बिक चुकी है, वहाँ पर आप कैसा दिखते हैं अपने यहाँ पर? मेरा सोचना इससे होता है, गाड़ी खरीदता कस्टमर होता है, सर्विसेज में आपके पास जिंदगी भर जाना, अगर आपने बेचते टाइम थोड़ी बहुत 19-20 कर भी दिया तो कस्टमर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सर्विस कराने आता है उसको आपने अच्छे से अटेंशन दिए, उसकी पूरी तकलीफ सुनी और तकलीफ उसकी दूर करी, तो वो जिंदगी भर के लिए आपके पास आता है, क्योंकि रेवेन्यू कस्टमर जिंदगी भर आपको देगा अगर आपसे सेटिस्फाई है, गाड़ी खरीदते में एक ही बार रेवेन्यू देगा, अगली बार शायद 10 साल बाद खरीद लेते हैं, लेकिन जब सर्विस कराएगा 10 साल पूरा आपके पास ही रहेगा अगर आपने उसको सेटिस्फाई किया, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस बैकग्राउंड किसी भी हो, चाहे कहना ये कहता है कि ह्यूमन इंटीग्रेशन पे काम करें, हम सब मिलकर दुनिया को एक करने की कोशिश करें, इस पर आप कैसा रिफ्लेक्ट करते हैं, आप भोपाल आवाम को क्या आपका संदेश है एज ए भोपाल सिटीजन, क्या कहना चाहते हैं हमारे ITDC दर्शकों को आप एड्रेस कर लिया? मैं तो यही कहूँगा बहुत सभी जो कोरोना काल चल रहा है पहले तो अपने आप से इसको बचाइए, क्योंकि अभी पिछले टफ टाइम तो आप निकाल चुके हैं, अभी भी
जापान में जो माहौल चल रहा है, लोग इतने लापरवाह हो गए हैं जो नहीं होना चाहिए, ना मास्क लगा रहे हैं, ना सैनिटाइज कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। फिर से आप देख ही रहे हैं माहौल बिगड़ता जा रहा है। अभी मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिए। एक टाइम आप निकाल सकें, थोड़ा सा टाइम और निकाल लीजिए तो ज़िंदगी बहुत अच्छी जीएंगे और बहुत अच्छे से जीएंगे। बाकी सबसे कहूँगा सब लोग कुछ रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रमेश भाई, आपके साथ जो मुलाकात है उसने भोपाल को फिर से ज़िंदा किया है एक खुशनुमा माहौल में, जो भोपाल जिसके लिए पहचान रखता है। यहाँ की तहजीब देखिए, यहाँ के लोगों का अपना एक कल्चर देखिए, लोगों का जुड़ाव देखिए, और ज़्यादा ना कहें तो यहाँ के लोगों की मोहब्बत देखिए। लोग कहते हैं कि मोहब्बत के लिए लोगों ने ताजमहल बनाए, लोगों ने बड़े बड़े नाम दिए, पर एक बार भोपाल आई बहुत बहुत सुकून मिलेगा यहाँ के लोगों के साथ जुड़ने में। बहुत प्यारे लोग, बहुत अच्छे लोग, उनके साथ ये मुलाकात आज की थी, जिसमें से एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे भोपाल के बहुत प्यारे इंसान रमेश नैनवानी जी, जिनके साथ आज ये मुलाकात पूरी हुई। और कोशिश करेंगे जल्द और भी कुछ मुलाकातों का सिलसिला इनके साथ चलता रहे और हम आप सबको कुछ बेहतर देने की कोशिश में कामयाब हों। थैंक यू आईटीडीसी, थैंक यू भोपाल, थैंक यू इंडिया।